Today we are going to learn about palindrome number. What is a palindrome number? If we say a number is said to be a palindrome number if it is equal to reverse of itself, means for example 1 to 1. If we learn 1 to 1 from the left side, that's 1 to 1, and if we learn from the right side, that's called 1 to 1. So this is a palindrome number like 99. If we give an example 1, 4, 3. If we learn from the left side 1, 4, 3, and if we learn from right side then 3, 4, 1. So this is not a palindrome number. So let's see how can we will write a code of palindrome number. So let's start. Firstly, we will comment this, and now we will start to write the code. Okay, first we will take a variable n, like we will take a input, integer input. Okay, input. Okay, then we will store the we will take a variable, another variable a, and we will store the value of n in a, and then we will easily describe the variable sum and is equal to 0. Then we will take while and n not equals to 0. The loop is executed when the condition is false. When the condition is not false, a loop will be executed. And we will take a variable b equal n modulus 10, and the next sum. I will describe why we are taking all these variables and what is the means of these variables. Sum into 10 plus b, and then we will take the variable n and we will take a floor division by 10. Okay, and we will check here, we will check the condition if sum equals to a, then print it is a palindrome number. Print it is a palindrome number. It is a palindrome number. And else, if it is not a palindrome number, then we will write easily, this is not a palindrome number. Not a palindrome number. Okay, so let's start. अभी अपन समझते हैं कि अपन ने क्यों ऐसा लिया, सारी चीजें अपन ने कितनी वेरिएबल्स लिए हैं, कितनी चीजें ली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने इनपुट लिया. फॉर एग्जांपल अपन ने लिया 9 और 9 इनपुट. एन में क्या ले लिया? 99. और हमने क्या किया, स्टोर कर दिया 99 को किस में? ए में. अब ये स्टोर क्यों किया? क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी स्टोरेज है, लेकिन नहीं, अपन आगे बात करेंगे कि क्यों ऐसा किया है. जब भी हमें सम या फिर किसी भी कभी भी सम करना होता है, हम क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करते हैं. हमने एक लूप लिया, क्या वाइल लूप लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, लूप कब तक चलेगा, जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तब तक क्या होगा, लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा. उसके बाद हमने क्या किया, एक बी नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें हमने क्या किया, लाइक 99, 99 मॉडुलस 10 करेंगे. जब भी 99 मॉडुलस 10 करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास 9 आ जाएगा. ओके, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो गई, 9. सम की वैल्यू क्या है, 0. तो 0 × 10 + b क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. और फिर नीचे आने पर n की वैल्यू क्या, अभी भी 99 है, तो इसका फ्लो डिवीज़न का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ओके, फिर यहाँ से फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फ्लो डिवीज़न करा तो हमको 9 मिल गया. 9 ≠ 0, कंडीशन ट्रू है. नीचे आएंगे और इसका मॉड्यूलस करेंगे हम, अगर हम मॉड्यूलस करेंगे. ओके, मॉड्यूलस करेंगे तो इसको हम
बार पूरे वैल्यूज से डिक्लेयर करते हैं। एन ले लिया अपन ने, सम ले लिया, ओके सम की वैल्यू कितनी है, बी ले लिया हमने, ओके बी एन की वैल्यू चेंज होती है रहेगी 9। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर क्या है 99, ओके सम सबसे पहले 0 रहेगा हमारे पास, ओके हमने एक ए ए में स्टोर किया है क्या 99, ए में स्टोर किया है क्या 99, ओके तो अभी भी सम की वैल्यू क्या है 0 है। बी की वैल्यू सबसे पहले हम 99 का 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9, और उसके बाद सम की वैल्यू 0 है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी करेंगे तो क्या हो गया, सम की वैल्यू 9 हो गया। और फिर हमने फिर से एन का फ्लोर डिवीज़न किया तो हमारे पास एन क्या हो गया 9। फिर से लूप जाएगा यहाँ पे और लूप चेक करेगा 9 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू ही नीचे आएगा, फिर से चेक करेगा मॉड्यूलस तो 0 हो गया। जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी 0 और सम क्या हो जाएगा हमारे पास 90 हो जाएगा, ओके सॉरी 9 मॉड्यूलस 10 क्या होता है 9 होगा, 9 मॉड्यूलस 10 क्या होगा 9 होगा, तो बी की वैल्यू 9 हो जाएगी और हमारे पास क्या है 90 है, तो 90 प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा तो हमारे पास सम क्या है 99। लेकिन हमारे पास एन क्या है, एन करंट में क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तभी तो जब लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या है एन, एन की वैल्यू 0 है लेकिन ए में क्या स्टोर है 99, क्या सम की वैल्यू 99 है और ए की वैल्यू क्या है 99, अगर ये इक्वल है देन इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, तो प्रिंट कर देगा क्या पैलिंड्रोम नंबर। हम इसको एक बार सेव करके रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस F5। ओके